जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ स्थित डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल में गुरुवार को बच्चों द्वारा विभिन्न विषयों पर बनाई गई परियोजना कार्य की प्रदर्शनी लगाई गई। सभी परियोजना कार्य अपने आप में रोचक और ज्ञानवर्धक था, जिसे देखकर निरीक्षण पर पहुंचे पामगढ़ एसडीएम करुण डहरिया और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र सुकना ने जमकर तारीफ की। इस परियोजना कार्य में नन्हे मुन्हे बच्चों से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चे शामिल हुए थे। परियोजना कार्य को विषय के आधार पर बांटा गया था, जिसमें गणित विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान शामिल था। एसडीएम करुण डहरिया और बीईओ राजेंद्र शुक्ला विद्यार्थियों की परियोजनाओं कार्य को देखकर काफ़ी उत्साहित हुए। उन्होंने सभी परियोजना कार्य को देखा और विद्यार्थियों से इस संबंध में पूरी जानकारी ली, साथ ही उससे संबंधित सवाल भी किए। विद्यार्थियों द्वारा लड़खड़ाने पर एसडीएम स्वयं उसका उत्तर देकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया। कुछ कुछ विषयों पर शिक्षक से भी एसडीएम ने सवाल किए। डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल प्राचार्य प्रमित जैन, कमलेश्वरी शुक्ला, मनोज श्रीवास, रूपेश पटेल, अंजलि डहरिया, पूर्णिमा कश्यप, रितिका मैडम, मीनाक्षी मैडम आदि लोग उपस्थित रहे, जिसमें सबका सराहनीय योगदान रहा। टीवी इंडिया 10 संवाददाता मेरा राम कश्यप की खास रिपोर्ट। आज पामगढ़ के मुख्यमंत्री जो डीएवी स्कूल है, वहाँ पर विभिन्न विषयों के संबंध में शिक्षा से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर जो है एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, और इसमें मेरे द्वारा जो है निरीक्षण किया गया। सभी बच्चों ने बहुत मेहनत से और बहुत ही अच्छी तरीके से जो है प्रदर्शनी में अपने जो कला है उसका प्रदर्शन किया है, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, हिंदी या इंग्लिश ग्रामर हो, सभी बच्चों ने और यहाँ के शिक्षकों ने, प्रिंसिपल्स ने, बीओस ने बहुत मेहनत करके ये प्रदर्शनी का आयोजन किया है। इसके लिए मैं सभी छात्रों को और जो टीचिंग स्टाफ है, प्रिंसिपल है, उनको बधाई देता हूँ। हाँ बिल्कुल, यहाँ निरंतर देखेंगे आप शिक्षा के क्षेत्र में जो पामगढ़ है वो निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं, और मुख्यमंत्री डीएवी स्कूल के अलावा शासन की जो महत्वाकांक्षी जो योजना है स्वामी आत्मानंद स्कूल अंग्रेजी माध्यम, वो भी संचालित है, और प्रशासन के माध्यम से हम निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं कि इसमें जो है अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा जो है प्रदान की जाए, और इसमें सभी का जो पालक है उनका भी हमको। सजन शुक्ला, बीओ पामगढ़। एजुकेशन के क्षेत्र में पामगढ़ हमारा निरंतर विकासशील है, और यहाँ हम बहुत लंबे समय से एक कमी महसूस करते थे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हमारे यहाँ नहीं है। आज मुख्यमंत्री डीएवी स्कूल, लेली मार्थोमा इंग्लिश मीडियम स्कूल, संत सिरोमणि में भी खोला है इंग्लिश मीडियम स्कूल, और अभी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की योजना है वो आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल भी पामगढ़ में स्थापित हुआ है। साइंस एग्जीबिशन में मैं यहाँ डीएवी के बच्चों के बहुत बहुत प्रशंसा करूँगा, क्योंकि हम लोग के समय में जो केवल मॉडल्स होते हैं वो साइंस एग्जीबिशन के होते हैं, लेकिन आज जो मैंने देखा है, एसडीएम साहब भी साथ पे थे, कि इसमें लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडी, मैथ्स, साइंस सभी के एग्जीबिशन बच्चों के द्वारा बनाया गया, और हमारे प्रश्नों का बच्चों ने उत्तर दिया। इसके लिए बच्चों को और स्पेशली यहाँ के प्रिंसिपल और स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह बच्चों को आगे पढ़ाएं, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए धन्यवाद। ये भी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल पामगढ़ है। मैं प्राचार्य प्रमित कुमार जैन। ये स्कूल 2016 से संचालित है, और अभी कोरोना काल के अंदर भी हमने बहुत अच्छी ऑनलाइन क्लासेस किया था, उसके अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाते थे, और आज हमारे यहाँ पर मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी की हर डिपार्टमेंट की बहुत अच्छी एग्जीबिशन हुई। बच्चों ने और स्टाफ ने बहुत अच्छी मेहनत किया है, और आप लोगों के सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे अच्छा और कुछ मान कर रहे हैं कि जनवरी मंथ के अंदर एक बहुत ग्रैंड लेवल